नमस्ते दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद फिर से आया हूँ नया वीडियो लेकर। तो आज हम बनाने वाले हैं एक मोशन सेंसर बेस्ड ऑटोमेटिक लाइट। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक 5 वोल्ट का रिले, एक PIR सेंसर, एक पिस BC547 ट्रांजिस्टर। तो अब हम ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन को सेंसर के ग्राउंड से सोल्डर कर देंगे। इसके बाद बेस पिन को आउटपुट पिन से सोल्डर करना होगा। अब ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ रिले के कॉइल का एक पिन सोल्डर करना होगा, कुछ इस तरह से। अब रिले के कॉइल की दूसरी पिन के साथ एक वायर को सोल्डर कर देंगे और उसी वायर के दूसरे हिस्से के साथ PIR सेंसर की VCC पिन को सोल्डर कर देंगे, कुछ इस तरह से। आप देख लीजिए, कनेक्शंस बहुत ही आसान है। ये बनाना और यह पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ 100 से 120 रुपए के अंदर बन भी जाता है। अब PIR सेंसर के ग्राउंड और VCC के साथ एक एक वायर को सोल्डर कर देंगे। उसके बाद रिले के कॉमन पिन के साथ एक वायर और NC पिन के साथ एक वायर को सोल्डर कर देंगे। अब एक प्लास्टिक का बॉक्स ले लेंगे और बीच में एक होल कर लेंगे सेंसर के आकार के हिसाब से। मैंने पहले ही होल कर लिया है। इसके बाद इसे बॉक्स के साथ अच्छे से चिपका देंगे। आप चाहे तो सुपर ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुख्य बात, इस सेंसर को पहले से अपनी जरूरत के हिसाब से कैलिब्रेट कर लें, पोटेंशियोमीटर को कम ज्यादा करके। अब ले लेंगे एक 5 वोल्ट का SMPS। मैंने इसको एक पुराने फोन चार्जर से निकाला है। अब इसको बॉक्स में बिठा देंगे और सारे कनेक्शन एक एक करके कर लेंगे। कनेक्शंस बहुत ही आसान है। इसका सर्किट डायग्राम वीडियो के बीच में दिया गया है। वैसे तो मैं नहीं बोलता, पर अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, ये मुझे प्रेरणा देता है और ये बिल्कुल फ्री है। अब बॉक्स को बंद करके इसके आउटपुट पिन के साथ एक बल्ब के होल्डर को कनेक्ट कर देंगे। और इनपुट पिन को हम मेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये तो लोड शेडिंग है। बाथरूम में इंस्टॉलेशन करने के बाद जाते जाते कमेंट में बता जाना कैसा लगा, और चाहे तो एक लाइक भी करते जाना।